मज़ा अंडा बन गया। कभी सोचा भी नहीं था ईसब गोल का पौधा कैसा होता होगा। ये क्या है? ये बड़े काम की चीज है। वॉल्टी के लिए बनाएंगे बॉइल्ड अंडे। और कैमरे से बात कर रहा हूँ जी, उनको लगा उनसे बात कर रहा हूँ। वॉल्टी के लिए बनाएंगे बॉइल्ड एग, मैं भी खाऊंगा, और साथ में अपना फ्रूट बन के साथ मक्खन। ये पूरे रास्ते ये बहुत काम आते हैं जी। इसका दोस्त अंडे बन रहे हैं, ठीक है जी। मक्खन और बन खाएंगे, स्वीट बन। एक मक्खन ये वाला भी पड़ा। चाय रेडी बन गई है, उन्होंने भैया ने लाके दी। और ब्रेकफास्ट करेंगे, रवाना तुरंत प्रभाव से जैसलमेर के लिए। अंडों में नमक ही डालना भूल गया। ये हर बार का नमक मैं ज़रूर भूलता हूँ। ठंड इतनी लग रही थी, हुड से काम नहीं चल रहा था। गाड़ी में जाके स्पेशली कैप लेके आया हूँ। पहले नमक डाल देते हैं, नहीं तो दिस इज रॉक सॉल्ट। Again, tagging Vinay's home and a Manchu Sahani. मज़ा अंडा बन गया। लो जी, रात की बाजरे की रोटी बची हुई है। और अंडे के साथ वॉल्टी देते हैं। ये जी भीमा राम जी मेरे नहाने के लिए सेटअप तैयार कर रहे हैं। इसके ऊपर आज नहाया जाएगा, 2 दिन हो गए। वॉल्टो कम ऑन, पानी पी। ये देखो जी, खुली जगह देख के पागल हो जाता है ये। ये जगह कौन सी है भीमा राम जी? कपूरडी, बाड़मेर, राजस्थान। बाड़मेर, राजस्थान। और ये सारा स्ट्रक्चर क्या है? ये जो बना हुआ है पानी का डैम बना हुआ है। पानी का डैम बना हुआ है। जीरे को, ईसब गोल को, जीरा ईसब गोल है कहाँ? ईसब गोल, ये ईसब गोल उसको बोलते हैं। ये ईसब गोल लगा हुआ है। हाँ। तो फली कैसे इसके ऊपर फली लगती है? इसके ऊपर आनी शुरू नहीं हुई है, ये थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई है, ये वाली है ना, ये अभी छोटी छोटी आनी शुरू हुई है। अच्छा, ये जो हम घरों में इसबगोल खाते हैं, नहीं वो इसबगोल नहीं खाते हो, वो आप जीरा खाते हो, ये दवाई में काम आता है गवर्नमेंट। हाँ नहीं, वो जो कब्जी के लिए खाते हैं। हाँ वही, जो इसको अपन दही में खा लेंगे। हाँ तो वो ये लग रहा है, हाँ ये लग रहा है, क्या बात है जी। ये आपको होगा, मैं दिखा दूंगा और भी। ये मतलब दही में खाएंगे ना तो मतलब पेट में ठंडक आ जाएगी, और जैसे अपना मतलब पेट में आप कब्जी कर रखा है, 2-3 दिन से लेटरिन नहीं जा रहे, तो फिर ये मतलब दूध के अंदर खाएंगे तो ऑटोमेटिक मतलब दवाई लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक 1-2 घंटे में उसका प्रोसेस होगा। तो देखो जी, इसबगोल खाया सभी ने होगा, स्पेशली जो शहर में रहते हैं, इसबगोल तो बहुत जरूरी होता है, इसबगोल खाया जरूरी। दोनों चीज काम आती है, दूध में खाएंगे तो उसका मतलब पेट साफ हो जाएगा, और दही में खाएंगे तो ज्यादा मतलब छोटे बच्चों को मतलब ज्यादा लेटरिन लगी हुई है तो हाँ, उसको रोकने के लिए अगर उसको दही में पिलाएंगे तो पूरा बंद कर देगा। तो दोनों चीज काम आती है। कभी सोचा भी नहीं था इसबगोल का पौधा कैसा होता होगा, आज आपको दिखा दिया है। भीम जी लेके जा रहे हैं घर लंच करवाने के लिए। वॉल्टी पागल हुआ पड़ा है एज यूजुअल, खुली जगह देख के। खाना खा के नहा मैं लिया हूँ, खाना खा के निकलेंगे फिर आगे जैसलमेर। 130 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, ऐसे डरते हैं ना यहाँ के कुत्तों से। वॉल्टी बिहेव कर, पागल नहीं कर, इजी इजी। नहीं पर ये क्या? अरे थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, ये बड़ी ये कांसे का बर्तन सुंदर है, ये कांसे का बर्तन बोलते हैं इसको। कांसे मतलब ब्रोंज का। हाँ, अच्छा। बाहर से मेहमान आते हैं ना, उसकी मतलब हाजिरी में हमारे यहाँ मतलब इसको उचित मानते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। जब इसमें खाना खिलाते हैं तो जैसे भगवान को खाना खिलाते हैं उसको जैसे। अरे क्या, और भारी भी है। हाँ भारी। अब क्या कुछ है, मुझे ये बाजरे की रोटी है। ठीक है जी। अब इसको मतलब ऐसे आते हैं तो चूना गुड़ ला दो। ठीक है। ये मक्खन है। अच्छा, ठीक है। और ये है देसी घी। मतलब हमारे यहाँ साधु संत आते हैं, उसको ऐसे परोसते हैं तो हमारे लिए मतलब हमको। अच्छा। ये यहाँ का दही हमारा गाय का। ठीक है। ये रायता है, रायता आ गया। ये आपके सिटी का वो पकौड़े आ गए। ये मतलब इस दही को मिलाना करके छाछ बोलते हैं। छाछ, ठीक है। लस्सी आ गई हमारे। मट्ठा, आपके उधर मट्ठा बोलते हैं। ठीक है जी, बेहतरीन। फुल मतलब देसी ऑर्गेनिक, कोई दवाई का इसके अंदर कोई मात्रा नहीं, सब घर का देसी, बाजार से कुछ लाना नहीं पड़ता। ये गुड़ वुड़ ये इधर गन्ना होता नहीं है इस वजह से। और अच्छा, ये बाजरे की रोटी को गुड़ और इसके साथ खाते हैं। हाँ, मतलब सर्दी के मौसम के अंदर ये मतलब ज्यादातर गर्मी पैदा करता है। अच्छा, इसका कॉम्बिनेशन है इसके साथ खाने का। हाँ नहीं मतलब मेरे को ये रोटी मक्खन और गुड़ के साथ खाना। हाँ अच्छा। वो जो घी डाला है देसी, वो उसके अंदर चूर के खाएंगे फिर। मैं वैसे गुड़ के साथ रोटी खाई है मैंने, मतलब हम पंजाब में खाते हैं लेकिन हम ना वहाँ चूरी बनाते हैं। हाँ। ये कॉम्बिनेशन मैंने पहली बार देखा कि मक्खन घी और गुड़ और बाजरा की रोटी। ये ज्यादातर हमारे मतलब छोटे बच्चों को, जब छोटा बच्चा है 12 महीने का हो गया, फिर उसको मतलब जैसे बिलौना करते हैं जो घूम के फिर के अपनी मम्मी के पास में आ जाता है, तो फिर उसको सांस में से जो बिलौना होता है उसमें से डायरेक्ट निकाल के छोटा सा कण उस बच्चे को पर देते रहते हैं उसकी हेल्थ के लिए। अच्छा। हाँ, मतलब ये घी मतलब खाएंगे तो जुकाम हो जाएगा, मतलब इससे कुछ नहीं होता, जुकाम वुकाम कुछ नहीं होता, ये डायरेक्ट है मतलब अंदर जाके ताकत देता है, जैसे बादाम खाते हैं, बादाम की तरह ही। अब ये इसमें डालनी है। अब इसको ऐसे करो। अच्छा। हाँ, एक हाथ से। अच्छा, चूरी बना ली। हाँ, चूरी बना। अच्छा अच्छा अच्छा। चुना ये गरम रोटी बड़ला रे। अरे कैसे हैं जनाब? आ गया आ गया जी, आ गया। बढ़िया, भीम मेरे को पकड़ लाए। इसको हमारे यहाँ चिपड़ बोलते हैं। हाँ, चिपड़ बोल दो। चटनी बनती है बड़ी स्वाद इसकी। हाँ। अच्छा, मिक्स अच्छे से हो। हाँ, गरम डालने से पूरा मिक्स हो जाएगा। ए बेटा ना आए। बाबा कहना तो बे अपन मन था। आज तो ये भैंस के, गाय के, बकरी के किसके दूध पे? ये मतलब गाय और भेड़ बकरी। आज इसको पूरा ऐसा करो, वो चम्मच आ दे, मैं कर नहीं पाऊँ, मेरा आप ही कर दो। अच्छा, अब इस पे डालें। हाँ, अब इसमें दही डालें। अब इसको मिक्स करके, हम तो खाते हैं डायरेक्ट हाथ से, मतलब सिटी वाले हो तो नहीं, की बात सिटी वाली नहीं, मेरे हाथ उल्टी वाले। हाँ, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ये खा के फिर शाम तक भूख तो नहीं लगती होगी। हाँ, बैठो आराम से। गुड बॉय। आदमी ना बाहर घूमने जाता है, बड़े बड़े होटलों में रहता है, रिजॉर्ट्स में रहता है, ये जो आनंद है ना अंकल, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये जो आनंद मेरे को यहाँ आके मिल रहा है, ये होटलों में आनंद नहीं मिलेगा। वहाँ तो पैसे की बर्बादी और कुछ है ही नहीं। जो आनंद, जो जितने प्यार से मेरे को खिला रहे हैं ना, ये बता के ऐसा खाना होटल वाला बना भी नहीं सकता। हाँ,